वेलकम बैक टू माय चैनल। डे टू और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। हमारी फैमिली थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, सो थोड़ा लेट हो जाएंगे घूमने। हॉस्पिटल में लगे 2 से 3 आर और अब हम निकल रहे हैं किमाड़ी की तरफ। पहले हमें जाना है निखिल के कैफे और फिर हम जाएंगे किमाड़ी। किमाड़ी मसूरी रोड पे है, काफ़ी अच्छा प्लेस है, चलो उसे एक्सप्लोर करते हैं। बारे में आपको एक चीज़ बता रहे हैं, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ हम लेकर जाते हैं एक बंदा जो कि काफ़ी काम करता है हमारा, काफ़ी ज़्यादा मजाक। ये हमारे फ्रेंड है शायद, इससे भी मिले नहीं, कल लेट नाइट आया था। ये बताओ कुछ अपने बारे में। कैसे हो भाई बहनों, इसके मेरे वही प्यार करने वाले लोगों। तो आज हम आदि कहाँ जा रहे हैं? आ जाएंगे हम किमाड़ी। तो गाइस ये है यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी। एनडी के सारे पास आउट स्टूडेंट्स यहीं तो आते हैं, ये उनका सेंटर यहीं से होती है, पासिंग आउट परेड। सो गाइस अभी हम पहुंच रहे हैं एफआरआई के पास, जहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई थी दोनों पार्ट्स की। और ये इंडिया में एक सिंगल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देखो काफी क्राउड होता है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, काफी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने। सो गाइस किमाड़ी जाने से पहले मेरे कुछ मंचिंग सी हो रही थी, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो निखिल हमें लेके जा रहा है एक रेस्टोरेंट में जो काफी अच्छा है, वो लोग क्लॉक टावर के पास है, तो बस हम वहीं जाएंगे कुछ खाएंगे फिर निकले हम किमाड़ी के लिए। सो गाइस इट्स अ क्लॉक टावर ऑफ देहरादून। निखिल हमें रेस्टोरेंट के नाम पे खोपचे में लेकर आ गया बट बोल रहा है कि यहाँ पे मोमोज अल्टीमेट मिलते हैं, ऐसा निखिल बोल रहा है। गाइस निखिल ने आज ये बात प्रूव कर दी, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मतलब सब कुछ इतना आउटस्टैंडिंग था, हमने मोमोज, साप्टा और सूप था और नूडल्स थे, हमने ये सब ऑर्डर करा था, सब कुछ बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस था। थैंक यू निखिल। वेलकम ब्रो, आया ना मजा? बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया। हाउ इज योर एक्सपीरियंस शिवम? भाई बहुत ही बढ़िया मोमोज थे, बहुत अमेजिंग टेस्ट था। अभी तक वो जो टेस्ट है वो मेरे मुंह में है, तो मेरे लगता है जिंदगी भर ये टेस्ट खाना, जब भी देर दो लाऊंगा ये मोमोज पक्का खाऊंगा। टेस्ट शिवम के जहर में बस चुका है इसका, दिलों जैसे ही इसने मोमोज खाए थे तो ये बोलता कि मेरे को पता लग गया कि देहरादून आते ही कहाँ आना है। सो अब हम जा रहे हैं किमाड़ी की तरफ। ये आर्मी एरिया है, यहाँ से आर्मी कैंट स्टार्ट होता है। गाइस जो 10% यहाँ की पॉपुलेशन है उत्तराखंड की, वो आर्मी पर्सनल्स की है। सो गाइस यहाँ पे टूरिस्ट चिल करने आते हैं, पार्टीज वगैरह काफी अच्छे अच्छे कैफे हैं यहाँ पे। Thank you.
सो गाइस ये छोटा जोर्ज एवरेस्ट जो बड़ा वाला है उसके लिए रास्ता अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। कल हम बुद्ध टेम्पल गए वो क्लोज हो गया, आज यहाँ पे रास्ता खत्म हो गया। ये भगवान कुछ गलती होगी तो माफ कर दो प्लीज। सो गाइस जो हिमाचल और उत्तराखंड है वो दोनों जियोग्राफिकल भी सेम है और मतलब जो लोगों का बिहेवियर है वो भी सेम है, बस डिफरेंस है तो उनके लैंग्वेज में और उनके थोड़ा बहुत कल्चर में, बाकी सब कुछ सेम है उनका। काफ़ी सिमिलर है हिमाचल और उत्तराखंड, वही खूबसूरती, वही पहाड़, वही ताज़ी हवा। पता नहीं क्यों चले जाते हैं लोग शहरों में, जन्नत तो यहीं है। सो गाइस आप जैसे देखते हैं यहाँ के लोकल पीपल्स ने कितनी अच्छी डेकोरेशन करी है, ये स्मॉल सा होल्डिंग पॉइंट बनाया है। जो पहाड़ों में चाय पीने का मजा है वो कहीं भी नहीं है। डेढ़ घंटा टाइम पास कर लिया, अब एक बार पूछ लेते हैं कितना काम बचा है क्योंकि जियो जाने का तो मन है, देखते हैं। अब नाउ वी आर प्लानिंग फॉर रोबर्स केव, अब हम जा रहे हैं रोबर्स केव। जैसे कि आपने देखा अभी आके रास्ता ब्लॉक था तो हम लंबी धार माइंस और जोर एवरेस्ट नहीं जा पाए। सो गाइस जो लंबी धार माइंस है वो एक हॉरर स्पॉट है और वो डार्क टूरिज्म के अंडर आती है। वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, 50,000 वर्कर वहाँ पे दबके मर गए थे और आप उसे सर्च करके तो इंडिया में टॉप 10 हॉरर प्लेसेस में से एक है। सो अब हम जा रहे हैं रोबर्स केव, वहीं मिलते हैं, बाय बाय। गाइस ये है यहाँ की पार्किंग गुच्छू पानी की, रोबर्ट्स केव की। पहले छोटी सी थी अच्छी मेंटेन कर दी है काफी। सो गाइस रोबर्ट्स केव पे काफी अंदर मतलब पानी होता है तो यहाँ पे स्लीपर्स रेंट पे दे देते हैं 10 रुपीज की। भैया ये शूज नहीं है ना, अगर घूम जाएंगे तो सारी चप्पल ले जाइए। ठीक है, थैंक यू भैया। सो गाइस अंदर जाने के लिए 35 रुपीज़ की टिकट लगती है यहाँ पे और ये खुला होता है सुबह 7 से लेके शाम को 6 बजे तक। चलो आप अंदर देखते हैं। तो गाइस ये 600 मीटर्स लंबी है। सो गाइस इन लेट ऑफ 1800 यहाँ पे रोबर्स मतलब अपने आप को हाइड करते थे ब्रिटिशर से, मतलब यहाँ पे छुपने आते थे जो भी चोर वगैरह होते थे ना, ब्रिटिशर से अपने आप को हाइड करते थे इन द लेट ऑफ 1800। तो गाइस कुछ शॉप बाहर थी और कुछ ये स्पॉट के अंदर है, यहाँ पे आपको चाय वगैरह और खाने के लिए। सो गाइस यहाँ से रोबर्ट्स केव स्टार्ट होती है, तो ये एंट्री पॉइंट है, मतलब पीछे से एंट्री होती है, टिकट वगैरह टिकटिंग वगैरह सब पीछे होती है और यहाँ से ये अट्रैक्शन स्टार्ट होती है। तो गाइस यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ेगा जाने के लिए, हम तो पहले से प्रिपेयर होके आए थे। देखिए आप तो पैदा ही मेरे पूरा हो गए थे, क्या कर रहे हो बोल के।
पानी फील नहीं हो रहा ठंडा, मतलब ठीक ठीक से लग रहा है, मोटरेट सा बैन सुन हो गया, इसलिए बैन सुन हो गया, इसलिए फील नहीं हो रहा भाई ठंडा। और गाइस ये नेचुरल केव है, आगे ये है, कृपया पैरों को देखते चलें। टाइगर टाइगर जिंदा है, कच्चा वाटरफॉल है। अरे वाटरफॉल है, फोन नंबर भी, फोन नंबर भी पूछने क्या लिखा था भैया, सीधा वो अंदर घुसा था अंदर भाई भाई, फोन नंबर भी लिखा, फोन नंबर पूछ ले क्या लिखा था भैया ये, थैंक यू नोट। तो गाइस जो उसकी ब्रेथ है वो 10 मीटर है। तो गाइस इस स्पोर्ट का जो पीक सीजन है वो होता है समर पे, यहाँ पे समर में काफी क्राउड आता है दिल्ली हरियाणा पंजाब वगैरह से, पर साथ टाइम पे यहाँ पे पानी का लेवल इतना इतना हो जाता है, मतलब काफी पानी ज्यादा बरसात हो रहा है तो इसे बंद कर देते हैं क्योंकि पानी का लेवल बहुत ऊपर रहता है, तो ये कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। तो गाइस हमारे इंडियन स्नोबर्स कितने चालाक थे, देखो उन्होंने कितनी अच्छी जगह ढूंढी थी अपने आप को छुपाने के लिए, वी टी शर्ट क्या है वो तो उनके भाई भी नहीं ढूंढ पाते इनको यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छा प्लेस है क्योंकि आगे देखो तो यहाँ पे काफ़ी सारे रास्ते डाइवर्स हो रहे हैं, तो ये साइन हमें हेल्प कर रहे हैं हमारी मंजिल तक पर जाने में, चलो आओ इन साइन को फॉलो करते हैं। आपने देखा था कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि ऐसे हरकतें नहीं करते, नाम नहीं लिखते हैं, पर अब क्या करें अपने ही लोग ऐसे हो तो निखिल मिटा यार, इसे अच्छा नहीं लगता है, तुम ऐसे गंदे गंदे चीजें करते हैं यहाँ पे आके। मैं इतनी से यही सोचा था ऊपर जा करते क्या होंगे, अब पता लग गया यही सही टाइम पास है भाई। तो गाइस देखिए, तो गाइस देखिए रोबर यहाँ पे टाइम पास है, बोटे टूट जाएगा नीचे का, तो गाइस ये इस स्पोर्ट का एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये सब कुछ एंड हो रहा है। तो गाइस वहाँ से नदी का पानी आता है ये इस केव पे, गाइस हियर वी आर डन विद द डे, और अब हम कल जाएंगे ऋषिकेश और उसके बाद जाएंगे शिवपुरी पे कैंपिंग करेंगे, राफ्टिंग करेंगे, और हम प्लान कर रहे हैं कि परसों नैनीताल जाएं। और गाइस आप भी सजेस्ट कर सकते हो कोई डेस्टिनेशन जहाँ पे आप लोग जहाँ का आप लोग देखना चाहो। सो गाइस बाय बाय।